हेलो फ्रेंड्स, और किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ लेमन अरबी। ये अरबी टैरो रूट जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और अरबी का फ्लेवर जो है वो लेमन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो अरबी ले ली है, जिनको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। अब मैं पैन में ऑयल लूँगी, इसमें मैंने डाल दिया है अपना अजवाइन थोड़ा सा, और हींग और क्यूमिन सीड, जीरा जीरा जो होता है हमारा। अब मैं इनको अच्छे से, जैसे हो गया है वो ऑयल में डालते के साथ ही, उसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस अजवाइन और जीरा जो है अपना हल्का सा फ्लेवर ऑयल में छोड़ दे। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी है अपनी चॉप की हुई अरबी। अरबी को बारीक बारीक धो के छील लिया है और बारीक काट लिया मैंने लंबा लंबा। ऐसे थोड़ा सा टॉस कर दूंगी जिससे कि मेरा नीचे के जो अजवाइन और जीरा है वो जले ना। बाकी की अरबी भी मैं ऐड कर दूंगी, और बहुत इजी है, 10 मिनट में बन जाती है ये सब्जी, 10 से 15 मिनट में। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको भी मैं टॉस कर दूंगी जिससे कि मेरा मसाला जो है वो नीचे जो मैंने अजवाइन और जीरा डाला हुआ है वो बस हींग और जले ना, और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है कसूरी मेथी, और 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस इतना टॉस करूंगी मेरा मसाला ऊपर नीचे हो जाए बस। आप इसको बड़ी कढ़ाई में भी कर सकते हैं, मैं इसको छोटी कढ़ाई में ही बना रही हूँ। और इसमें हल्दी का देखिए कितना सुंदर रंग आ गया है अब। और ये तेज आंच पे ही करना है इसको। इसमें मैंने ऐड कर दिया है अपना देगी मिर्च, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं आप उसकी जगह। साथ में मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर जो इसको खट्टापन देगा। अरबी खट्टी ही अच्छी लगती है, वैसे तो ये लेमन अरबी है, मैं इसमें लेमन डालूंगी ही। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी जिससे कि सारे मसाले जो हैं वो अरबी के ऊपर चिपक जाएं अच्छे से। और ये भी मैंने इसलिए इस अर्ली स्टेज पे डाल दी क्योंकि अर्ली अरबी बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसको मैं थोड़ा सा ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। देखिए अब 5 मिनट बाद ये अरबी मेरी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, और साथ में मैं इसमें 1 से 2 नींबू का जो रस है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसको खट्टा करने के लिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें नींबू की जगह विनेगर भी डाल सकते हैं, पर जो नींबू का फ्लेवर है, क्योंकि ये नींबू लेमन अरबी है, तो कोशिश कीजिएगा लेमन ही डालें। आप इसको दाल के साथ, परोंठियों के साथ, जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं, रोटी परोंठियों के साथ। ये देखिए सॉफ्ट भी हो गई है काफ़ी हद तक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी जिससे कि जो मैंने धनिया पाउडर और लेमन रस डाला है इसके अंदर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये मेरी हाफ डन हो चुकी है। अब बस इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा दम लगाना चाहूंगी जिससे कि बस ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अब अगर मैं इसको, गैस मेरी बिल्कुल सिम है, इसमें मैं आधा कटोरी, अब इसमें मैं हल्का सा पानी छिड़क दूंगी इसके ऊपर से, और इसको दम दे दूंगी जिससे कि और भी सॉफ्ट हो जाए और जो हल्दी या जो भी मसालों का वो है वो भी खत्म हो जाए। देखिए मेरी अरबी, लेमन अरबी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी है, 10 से 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।